दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्लाउड सर्विस के बारे में जो आपको 1 TB का स्पेस दे रही है बिल्कुल फ्री, वो भी लाइफ टाइम के लिए। ये सुनने में अनबिलीवेबल लगता है लेकिन ये बिल्कुल ही सच है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के ऊपर, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं हूं अजीत पॉल और आप देख रहे हैं अनबॉक्स टेक्नो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की डेट में क्लाउड स्टोरेज एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हर किसी को, क्योंकि हम कोई भी डेटा अपने मेमोरी कार्ड या फिर मोबाइल में रखते हैं, मोबाइल गुम हो जाता है या फिर मेमोरी करप्ट कर जाती है, या फिर अगर हम गूगल ड्राइव पर रखते हैं तो वहाँ पे एक लिमिट आपको मिलती है कि 15 GB से ज़्यादा आप कोई भी मतलब स्टोरेज को आप यूज़ नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा अगर आपको स्टोरेज यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको परचेस करने पड़ते हैं। और यहाँ पे एक कंपनी आपको निकल के आती है जहाँ पे आपको 1 TB आपको फ्री क्लाउड स्टोरेज दे रही है। तो आइए इसके बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है डीबॉक्स क्लाउड स्टोरेज। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है क्लाउड बैकअप एंड डाटा बैकअप। इसको कर लेना है सिंपली इंस्टॉल्ड। जैसे इंस्टॉल हो जाए इसको कर लेना है ओपन। ओपन करते ही स्क्रीन पे आपको कुछ रिमाइंडर देगा, वेलकम टू डीबॉक्स, यूजिंग डीबॉक्स रिक्वायर्ड सेकुलर डाटा या ए वाईफाई कनेक्शन। इसको कर लेना है एग्री। ओके करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको सिंपल लॉग इन कर लेना है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं डायरेक्ट या फिर फेसबुक से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, इसको रजिस्टर्ड पे ओके कर देना है। ओके करते हैं। यहाँ पे आपको वेरीफाइड इंटर डीबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपने ईमेल पे जाना है और यहाँ पे आपको एक मेल आया हुआ होगा डीबॉक्स रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे वेरिफिकेशन ईमेल पे ओके करना है। लॉग इन टू डीबॉक्स, ये आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड डाल लेना। यहाँ पर उसके बाद से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अनेबल ऑटोमेटिक बैकअप। तो इसको हमें कर देना है अनेबल ऑटोमेटिक बैकअप को। गॉट इट। मीडिया फाइल वगैरह का एक्सेस में आएंगे, आपको उसको कर देना है अलाउ। ये आपका इस पे अकाउंट बन चुका है। यहाँ से आप कुछ भी अपलोड वगैरह अपना फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 1 TB 1024 GB का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें मैंने 10 MP ही यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।